हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है सभी भाइयों और सभी बहनों के लिए, क्योंकि इसके अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप किसी भी क्रेडिट कार्ड, जैसे कि आप नॉर्मली आपके पास कोई SBI का क्रेडिट कार्ड है, उससे आप अपने RBL बैंक, स्टैंडर्ड चार्टर्ड, सिटी बैंक, अदर बैंक, किसी भी बैंक की पेमेंट अपने SBI कार्ड से कर सकते हैं। बहुत लोगों की प्रॉब्लम है, वो नहीं कर पाते हैं। तो फ्रेंड, इस वीडियो में पूरा का पूरा स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ कैसे आपको करना है और कैसे आपको इसके अंदर स्टेप लेने। तो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, जो भी फ्रेंड हमारी वीडियो को देख रहा है, फ्रेंड नीचे लाइक बटन दे रखा है, लाइक बटन पे क्लिक करके वीडियो को लाइक कर दे, और नीचे रेड कलर का बटन है, सब्सक्राइब बटन है, उस पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले। उसके बाद फ्रेंड नीचे आपको मिल जाएगा बेल आइकन, उस पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दे। जब भी हम कोई ऐसी टेक और ऐसी इन्फॉर्मेशन की वीडियो डालें तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए और सबसे पहले हमारी वीडियो को वॉच कर पाए और आप नई नई जानकारी आपको टाइम टू टाइम मिल पाए। तो फ्रेंड, आज सीखने वाले कैसे अपने SBI क्रेडिट कार्ड से आप अदर बैंक के क्रेडिट कार्ड की पेमेंट कैसे करेंगे। तो आइए चलते हैं अपनी फोन स्क्रीन पर और सीख लेते हैं कैसे आप SBI कार्ड से अदर बैंक के कार्ड की पेमेंट करेंगे। तो आइए चलते। तो फ्रेंड, पहले आपको अपनी SBI कार्ड एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। जैसे ही फ्रेंड आप ओपन करेंगे, आपके सामने जो है इस प्रकार का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। इसको क्या करना है, पहले अपना पासवर्ड डाल के आपको इसे लॉगिन कर लेना है। तो हम इसे लॉगिन कर लेते हैं। जैसे ही फ्रेंड हमने लॉगिन किया, आपके सामने फर्स्ट इंटरफेस इस प्रकार का आ जाएगा। इसमें आपको अपना किसी भी बैलेंस वगैरह ऑप्शन पे क्लिक नहीं करना है। ऊपर आपको 3 लाइनें नजर आ रही है लेफ्ट हैंड में, उस पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, इस प्रकार का ऑप्शन इनेबल होगा। इसमें आपको बेनिफिट वाले ऑप्शन में जाना है। जैसे ही आप बेनिफिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, आपके सामने जो है इस प्रकार का ऑप्शन इनेबल हो जाएगा। इस पे ऊपर सबसे ऊपर नजर आ रहा है बैलेंस ट्रांसफर, उस पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही फ्रेंड आप क्लिक करेंगे, आपके सामने जो है इस प्रकार का ऑप्शन इनेबल हो जाएगा। इसके अंदर 2-3 ऑप्शन है, वो मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। पहले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है, इसमें आपको सिलेक्ट कर लेना है बैलेंस ट्रांसफर। जैसे बैलेंस ट्रांसफर पे क्लिक करेंगे, आपके सामने कुछ इस प्रकार का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे आपको अपने कार्ड की पेमेंट जितनी करनी है वो अमाउंट यहाँ पे डाल देना है। तो हमारे कार्ड की पेमेंट है 8876, तो हम इसके अंदर अपनी डाल लेते हैं। डालने के बाद नीचे फ्रेंड आपको डालना है वो कार्ड नंबर जिस कार्ड की आपको पेमेंट करनी है, जिस कार्ड में आपको बैलेंस ट्रांसफर करना है, वो कार्ड का नंबर आपको यहाँ पे डालना है। तो हम इसके अंदर अपना कार्ड का नंबर डालते हैं, फिर आपको बताते हैं क्या करना होगा। तो फ्रेंड डाल लेते हैं अपना कार्ड नंबर। तो फ्रेंड देख लीजिए, हमने इसके अंदर अपना कार्ड नंबर डाल दिया। कार्ड नंबर डालने के बाद देखिए नीचे शो कर गया हमारा जो कार्ड है वो है स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक का क्रेडिट कार्ड, जिसकी हमें पेमेंट करनी है। तो फ्रेंड देख सकते हैं नीचे आपको शो कर गया है कंटिन्यू का ऑप्शन, कंटिन्यू पे आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही फ्रेंड आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, आपके सामने जो है इस प्रकार का ऑप्शन इनेबल हो जाएगा। कितने दिन के लिए आप करना चाहते हैं यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो ऊपर आपको लिखा हुआ आ रहा है बुक नाउ, बुक नाउ पे आपको क्लिक कर लेना है। जैसे फ्रेंड आप बुक नाउ पे क्लिक करेंगे, आपके सामने जो है इस प्रकार का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ आप अपनी ब्याज दर देख सकते हैं, कितना इंटरेस्ट लग रहा है, सारा कुछ ऑप्शन यहाँ पे इनेबल हो जाएगा। आप कौन सा कार्ड है देख सकते हैं, यहाँ पे पूरी चीज़ें इनेबल हो जाएंगी। चेकआउट कर लेना है स्टेप बाय स्टेप, ठीक है फ्रेंड। जैसे आप चेकआउट कर लेते हैं, नीचे एक टिक मार्क का ऑप्शन इनेबल हो जाएगा टर्म कंडीशन का, उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे आपका जो है नीचे आपको कन्फर्म का बटन जो है इनेबल हो जाएगा। देख सकते हमने टिक मार्क किया और नीचे कंटिन्यू का बटन इनेबल हो गया, कंटिन्यू पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही फ्रेंड आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पे एक मैसेज जाएगा, जो आपके क्रेडिट कार्ड मोबाइल नंबर के साथ रजिस्टर होगा उस पर एक OTP जाएगा, वो OTP आपको यहाँ डालना है। तो हमारा OTP आ चुका है, हम यहाँ से इस OTP को ओपन करते हैं, यहाँ से कॉपी किया। कॉपी करने के बाद फ्रेंड हम इसे अपना यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। फ्रेंड जैसे पेस्ट करेंगे, पेस्ट करने के बाद ध्यान रखना है आपको पूरी डिटेल पहले चेकआउट कर लेनी है, क्योंकि ये फाइनल स्टेप है। इसके बाद जो है आपका जो बैलेंस है वो आपके कार्ड में ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो जैसे ही चेक कर लेते हैं, करने के बाद नीचे आपको सबमिट पे क्लिक कर लेना है। जैसे फ्रेंड आप सबमिट पे क्लिक करेंगे, कुछ टाइम ये वेट करना होगा आपको। देख सकते हैं कुछ टाइम वेट करते ही आपके सामने मैसेज खुल चुका है, कॉन्ग्रेचुलेशन सक्सेसफुल, एक रेफरेंस नंबर आ चुका है, नीचे आपको टाइम नज़र आ गया है 3 से 4 डेज के अंदर आपका बैलेंस जो है अदर कार्ड के में ट्रांसफ़र हो जाएगा। इस तरह से अपने कार्ड की पेमेंट कर सकते हैं घर बैठे। देख लीजिए हमारे पास मैसेज भी रिसीव हो चुका है, 2 से 3 डेज के अंदर आपकी जो है कार्ड की पेमेंट हो जाएगी, जिसकी आपने करी है। तो फ्रेंड इस तरह से अपने कार्ड की पेमेंट कर सकते हैं घर बैठे बिल्कुल आसान तरीके से। तो फ्रेंड आशा करता हूँ अच्छी तरह समझे होंगे कैसे अपने कार्ड की पेमेंट आपको करनी है अदर कार्ड की। वीडियो पसंद आई है तो फ्रेंड आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, जो भी फ्रेंड वीडियो देख रहे हैं वीडियो को लाइक कर दें, नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन नजर आ रहा है उस पर क्लिक कर दें,
और बराबर में एक बेल नोटिफिकेशन आ जाएगा, उस पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दें। जब भी हम ऐसी टेक और ऐसी इन्फॉर्मेशन के रिगार्डिंग वीडियो डालें तो आपको सबसे पहले मिल पाए और ऐसी हेल्पफुल वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिल पाए। तो फ्रेंड मिलते हैं ऐसी टेक और ऐसी इन्फॉर्मेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। वंदे मातरम।